वहीं पाली में पिछले लंबे समय से पाकिस्तान से आकर पाली जिले में रह रहे 10 लोगों को कलेक्ट्रेट सभागार में भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र चौधरी ने वितरित किए हैं। आपको बता दें कि पाली जिले में पिछले लंबे समय से लगभग 111 परिवार पाकिस्तान से आकर जिले के विभिन्न गांवों में रह रहे हैं। इन लोगों ने भारतीय नागरिकता को लेकर आवेदन किया था। इन आवेदनों की जांच होने के बाद आज इन 10 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं आपको बता दें कि जो शेष 80 लोग बचे हैं उनके दस्तावेजों की जांच भी पुलिस और जिला प्रशासन कर रही है। नागरिकों को नागरिकता देने का जहां तक प्रश्न है, पाली जिले के अंदर 119 आवेदन प्राप्त हुए थे। जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी जांच करवा करके हमने जयपुर भिजवाया था, तो पूर्व में हमने 11 नागरिकों को, पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया था। आज पुनः जो प्रकरण शेष रह गए थे वो प्रकरण हमने वहां जब जयपुर भिजवाए होम डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने 10 लोगों को और भारतीय नागरिकता देने के जो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं वो आज इस मीटिंग के अंदर सब लोगों को बुला करके दिए गए हैं। पुलिस ने सबसे पहले तो ये भारतीय नागरिकता के लिए जो आवेदन करते हैं, जो पाक विस्थापित है या यहाँ जो रहना चाहते हैं, उन्होंने आवेदन के बाद में पुलिस थाना स्तर पर इनकी जांच करके और SP कार्यालय के द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजा जाता है। वहां पर IB के द्वारा फिर जांच की जाती है और उसकी जांच करके गृह मंत्रालय को भेज देती है। वहां से अप्रूवल होने के बाद में यहाँ प्रशासन के पास आती है और उसके बाद में इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद में